दूसरा भी आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि ये 6 बिलियन डॉलर्स के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से। जली ना तेरी भी जली ना। 80 लाख डॉलर पर मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जो आईपीएल ब्रांड की इस वक्त वैल्यू है वो तकरीबन 7 बिलियन डॉलर से करीब, 6.9, और अभी उन्होंने एक दो फ्रेंचाइजेज और ऐड करेंगे तो आप उसमें कोई 1-1.5 बिलियन और ऐड कर लीजिए। दोस्त बेकारी नहीं है अपन। और अगर आईपीएल जिम्मेदार है, बेसिकली अब नज़र ये आ रहा है कि आईसीसी ख़त्म हो गई है, बाकी बोर्ड जितने कमज़ोर हो गए हैं, जो जो इंडिया का बोर्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा भी आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर्स के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से। और वैसे तो मोदी का बस नहीं चलता, ये तो पूरे खित्ते को आग में लपेटना चाहते हैं। अजीब पे जुनूनी नफसियाती शख्स है। हमारी टीम जिस तरह आप देखा जाए तो स्टार्स का है, सिवाय बाबर आजम के। किया कि सिक्योरिटी अलर्ट था। किसी इदारे के पास कोई थ्रेट नहीं है। सिक्योरिटी थ्रेट तो आजकल दुनिया में हर जगह है। यू हैड टू ट्रस्ट आवर सिक्योरिटी सिस्टम। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का क्रिकेट के लिए कोई मसला नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मुंह पे ऐसा तमाचा मार के गया, आज 8 दिन हो गए इस बात को, लेकिन उस चाटे की धमक, उसकी झन्नाटेदार आवाज पाकिस्तान के गालों पे अभी तक फड़फड़ा रही है। ये बेचारे तड़प रहे, मर रहे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर कोई टीम गई है न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड को दोष देने के बजाय ये दोष देते हैं सिर्फ भारत को। इनको लगता है कि आईपीएल खेलने की वजह से न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने अपना दौरा मुल्तलिब किया। इनके क्रिकेट में थोड़ी सी बच्ची कुची इज्जत थी, उसका फलूदा भाजीपाव भाजीपाला जो भी करना था न्यूजीलैंड करके गया, लेकिन इसका जो रायता बना है, ये रायता अभी ये पाकिस्तान मीडिया भारत के ऊपर ढोलने में लगा रहता है। लाइन पे आप इस वीडियो का आनंद लीजिए, आपका भाई मिलेगा, आप लास्ट में साथ में बैठ के चाय पियेंगे, मिल के जाना ठीक है। ये जो आईसीसी के वर्ल्ड राइट्स थे, क्रिकेटिंग राइट्स, ब्रॉडकास्ट राइट्स 2015 से 23 के, वो बिके 2.2 बिलियन डॉलर्स के। बीसीसीआई इंडिया वाले जो क्रिकेट बोर्ड है इनका, उसके 18 से 23 के बिके 1.1 बिलियन डॉलर्स के, यानी कि आप समझ लें करीबन 80 लाख डॉलर पर मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जो आईपीएल ब्रांड की इस वक्त वैल्यू है वो तकरीबन 7 बिलियन डॉलर के करीब, 6.9, और अभी उन्होंने एक दो फ्रेंचाइजेज और ऐड करेंगे तो आप उसमें कोई 1-1.5 बिलियन और ऐड कर लीजिए। तो ये है क्रिकेट का सिनेरियो, ये पैसे का सीन है, और क्यों इंडिया सब कुछ हमारे पे छाया है। फिर वो अभी T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है, उसकी टीम भी आज डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसका भी डेटा रिसर्च टीम ने बड़ा मज़ेदार निकाला है। ज़रा हमारी भी हरकतें देख लें, हम लोग कर क्या रहे हैं। लास्ट 11 जो T20 मैचेस थे उसमें एवरेज हमने तकरीबन 39.8 डॉट बॉल्स, 40 बॉल समझ लें, यानी कि 6.3 ओवर हमने ठुक ठुक किए। 20 में से 6.3 ओवर्स तो निकाल दें, बाकी जो 13-14 ओवर्स हैं उसी में सारा हमने कमाल किया। और एवरेज हमारी क्या थी उसमें, 38 सिंगल, 7.1 जिसमें 2 रन लिए, 1.4 हार्डली एक मैच के अंदर हम एक बारी लेते हैं 3 रन, और 14 चौके हैं एवरेज 14.2। छक्के तो छोड़ ही दें, वो 5 छक्के हैं एक मैच में। सो ये हमारी टीम की इस वक्त हालत है, ये सब कुछ है। अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना
इसलिए बरतानवी बोर्ड ने न्यूजीलैंड की आड़ लेकर दौरा मस। अब आप देखें, जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं, इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देते हैं? और बरतानवी सहाफी, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने आईपीएल खेलने की खातिर भारत को खुश किया है, और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था, बेचारे डॉलर कहाँ से कमाते? क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? अभी आपने बस जो बातें की ना, एक तो बड़ा क्लियर हो गया है, जो आईसीसी है ना वो तो टूथलेस बॉडी, रमीज आजा ने भी कहा कि फारग हो गया आईसीसी को, छोड़े उससे वो तो बिल्कुल फारग, वो वैसे भी लेजिस्लेटिव बॉडी था, लेकिन अभी भी अगर आप देखें जो उनके प्रेसिडेंट आए, ही इज ए न्यूजीलैंडर एंड वो बैकिंग है उनको बीसीसीआई की। सो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा भी आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से 5 साल के राइट्स होंगे, जो कि इंडियन क्रिकेट से 5 times मोर सिर्फ आईपीएल के राइट्स होंगे। सो दैट इज़ द फैक्टर जो अभी आप बोल रहे थे। यस, क्लियरली अब आईपीएल खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहाँ पे गवर्निंग बॉडी थी तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद, इनको लाले पड़ जाएंगे इंटरनेशनल। लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय आईपीएल जाके खेलो। एग्जैक्टली, और यही अट्रैक्शन, अभी आपने बोला एवन मॉर्गन आईपीएल के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कुछ भी। सो ये प्लेयर्स एसोसिएशन ने प्रेशराइज़ किया था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, और यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, जब ECB के चेयरमैन ने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी। सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके PMO को भी नहीं पता था और किसी को। सो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो 560 मिलियन डॉलर सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीज़न की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज़ अ फाइनेंशियल गेम, सो लेट अस नॉट कंसीड कि ये बिग फोर जो है इट इज़ एक्चुअली नॉट ड्यू टू एनी अपार्थाइड और एलिटिज्म, इट इज़ ओनली फाइनेंशियल। पर ये नहीं है कि गोरे काले की गेम नहीं है, गेम नोटे की है सारी, गेम नोट की किसका? तो राशिद ये बताएं, फिर हमने PSL शुरू किया, क्या करें? PSL को हम बड़ा करें, टीमें ऐड करें? नहीं, किसी और को देखने से पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। PSL हो रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, तो बीच में KPL कैसे आ गई? KPL में वही प्लेयर खेल रहे हैं जो PSL में खेल रहे हैं, कैसे हो सकता है? और उसको हमारे ही लोग बोल रहे हैं कि उसको हम PSL से बड़ा ब्रांड बनाएंगे KPL को। वो तो नहीं बनेंगे, लेकिन उसके पॉलिटिकल रीजंस भी समझ आते हैं। आपने कश्मीर का एक और प्रोजेक्शन देना है, ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ और हो रहा है, यहाँ पे उसकी एक और डैमेज हुआ है उससे। PSL डैमेज हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हुई है, और दूसरा सबसे अहम जो फैक्टर नज़र आ रहा है कि फ्रेंचाइज नाराज है आपसे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ्रेंचाइज नाराज है। हम सारा लोड फ्रेंचाइज को दे देते हैं। PCB एक बॉडी है जो कि ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन जितने भी फ्रेंचाइज हैं वो तो हैप्पी नहीं है। अभी कल मीटिंग होने जा रही है इनकी दोबारा, लोड आप फ्रेंचाइज के ऊपर डाल रहे हैं, कमा वो कुछ नहीं रहे, जब वो कमाएंगे नहीं तो पैसा कैसे और लगा सकते हैं? मैं IPL पे आने से पहले, तो IPL का मॉडल क्या है? IPL तो देखें, ये सारी जो लीग्स होती हैं मोस्टली कुछ मैच स्क्रिप्टेड होते हैं जिससे पैसा कमाया जाता है। ब्लैक इकोनॉमी, जो भी लीग है, बिग बैश हो गए, IPL हो गए, PSL हो गए, जो भी आप फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है उसके अंदर लूज मनी होती है, ब्लैक मनी होती है, जिसकी वजह से आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट दब गई है। वो आप लेके आ गए 20 ओवर की क्रिकेट में, शुरू आपने किया था टेस्ट क्रिकेट से, 5 दिन की क्रिकेट है, उसके बाद आपने कहा चलो यार ये 50 ओवर खेल लो। नहीं नहीं, हम करते हैं कि मैच हारेंगे, 5 दिन कौन इंतज़ार करेगा? उसके बाद वनडे पे आ गए, वनडे भी 50 ओवर, उसके बाद ये दायरे में आ गए जो कि फैंसी फिक्सिंग होती है, वो ख़त्म हुआ तो फिर T20 पे आ गए, T20 में 6 ओवर के दायरे पे आ गए, तो उसके शॉर्ट करते चले गए। दुनिया में एक क्रिकेट हो रही है वो है फ्रेंचाइज क्रिकेट, कोई भी नहीं देख रहा टेस्ट क्रिकेट हो रही है या वनडे क्रिकेट हो रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड कितना पैसा क्यों जनरेट हो रहा है, व्यूअरशिप बढ़ी, प्लेयर के पास पैसा आया, और ये देखना है कि प्लेयर के पास पैसा कैसे आया। नहीं, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका जो भी है, अब आपने ये एक रियलिटी देखी कि IPL फ्रेंचाइज लीग्स अब बन गई हैं, तो क्या फिर पाकिस्तान को PSL बढ़ाना नहीं चाहिए? नुमान, बस जो आप बात कर रहे हैं ना, एक तो जो अभी राशिद बात कर रहा था ना, ये एक और भी अलमिया है ना कि
जो टेस्ट मैच था, फिफ्थ टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो उन्होंने कहा जी एक कोविड पॉजिटिव हो गया तो वी आर गोइंग बैक। एंड द ब्यूटी वॉज कि जब उन्होंने मैच ख़त्म किया, वो रिफ्यूज टू प्ले, तो वो उनके प्राइवेट जेट्स तैयार थे और 6 दिन एग्जैक्ट बनते थे क्वारंटीन के बिफोर द स्टार्ट ऑफ द IPL। सो IPL वॉज प्रेफर्ड ओवर टेस्ट मैच क्रिकेट। ये तो एस्टैब्लिश हो गया, गया कि अच्छा, जी IPL जो है वो डॉन है क्रिकेट का, ठीक है। हमने करना, अब आपने करना क्या, ये इशू है मालिक भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एक तो ये है कि हम लोग बिल्कुल भी प्रैग्मेटिक नहीं रहे, हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट भी तबाह कर दी। जिस तरह राशिद ने कहा, हमने पैरेलल कश्मीर प्रीमियर लीग खड़ी कर दी। अगर आप पॉलिटिकल कहते हैं, व्हाई नॉट, कि इतना क्यों घबरा रहे थे, PSL में कश्मीर की फ्रेंचाइजी नहीं, अगर एक मिनट, फ्रेंचाइजी आते ना PSL में, अगर कश्मीर प्रीमियर लीग करनी थी वहाँ की गवर्नमेंट करती, प्राइवेट लोगों को कैसे दे दिया आप लोगों ने। Exactly. ये एक, एक, कोई पूछने वाला पैसा तो प्राइवेट के पास है ना, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से? अगर हम इसको ले चले, हो गया, अब क्या करें? एक तो आप फ्रेंचाइजेस ऐड करेंगे, लेकिन अभी जो राशिद बात कर रहे हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल आउटले है, अब तो हैरान कुन बात यह है कि आप जो कहते हैं कि आप बाहर के बहुत टॉप प्लेयर्स बुलाते हैं, आप टॉप प्लेयर्स नहीं बुलाते, आप B+ या A कैटेगरी के प्लेयर्स बुलाते हैं। कभी भी स्टीवन स्मिथ नहीं आया, कभी भी केन विलियमसन नहीं आया, कभी भी यॉन मॉर्गन खेलने नहीं आया। सो एक तो आपको कैपिंग खत्म करनी पड़ेगी, $1-1.5 लाख के प्लेयर्स नहीं है जो आएंगे। अब वो लाख डेढ़, अभी क्या रूल, अभी यही है ना जी कि $1.5 लाख कैटेगरीज बनी हुई ना, प्लैटिनम है, डायमंड, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते, गोल्ड है, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते, कैपिंग है। यहाँ तो आपको ये खत्म करना पड़ेगा, ड्राफ्ट सिस्टम है, और इंडियन प्रीमियर लीग की तरह आपको जाना पड़ेगा, बोली लगानी पड़ेगी, ऑक्शन करना पड़ेगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कोई कैपिंग नहीं है? नहीं, ऑक्शन है जी। अभी क्रिस मॉरिस की कितना था कैपिंग है? नहीं, क्रिस मॉरिस का कितने मिलियन डॉलर था? 17 करोड़ रुपया एक सीजन का उसका IPL खेलने का, 17 करोड़ रुपया ले रहा है क्रिस मॉरिस, जिसको आप जानते नहीं होंगे, इज अ साउथ अफ्रीकन। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, एक तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान में PSL का मॉडल चेंज करें, यस, ताकि आप बेहतर टैलेंट आप लेके आए बाहर से, बिकॉज हमारी टीम जिस तरह आप देखा जाए तो स्टार्स कहाँ हैं, सिवाय बाबर आजम के, उस इंटरनेशनल लेवल का स्टार कोई है आपके पास? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है नहीं, आप अट्रैक्ट कर नहीं पाते। जब ये लोग खेलते थे, सईद अनवर, आमिर सुहेल, इंजमामुल हक, राशिद लतीफ, शुएब अख्तर, सकलान मुश्ताक, वकार यूनस, वसीम अक्रम, ये इंडिविजुअल ब्रांड्स भी थे। इन पाकिस्तानियों की जो भारत पे खींच निकलती है ना, मैं सच बताता हूँ, असली मजा सिर्फ यही है, बाकी सब बेकार है। आमी मानुस जो इनको तड़पता हुआ, मचलता हुआ, तिल मिलाते हुए देखते हैं ना कि यहाँ भारत ने गया, ये गया, वो गया, ये कर कुछ नहीं सकते, ये कर कुछ नहीं सकते, ये सिर्फ बातें करते हैं। गजब बेइज्जती है। तालिबान को सपोर्ट करेंगे, TTP को जन्म देंगे, लादेन को छुपा के रखेंगे, हाफिज सईद इनके मसीहा बन के घूमेगा, आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे, POK में पूरा आतंकी अड्डे चलाएंगे, बलूचिस्तान पे जुल्म करेंगे, वो इनको अपनी कमियां नजर नहीं आएगी। लेकिन मासूम कौन है? पाकिस्तान है, और बदमाशों ने इंडिया है, बस ये सारा दिन ये करते रहते हैं। जो भी आपको दिमाग में कीड़ा कुल बुला रहा है उसको कमेंट के रूप में उतार दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, एक बात तो यह है, और दूसरी बात यह है कि आपके भाई का इंस्टाग्राम है ना, भूखा नंगा है बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। और आपका भाई ऐसा वीडियो बनाता रहता, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।